अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू जी, आपका यूट्यूब चैनल लाइट वॉइस मीडिया में खुश आमदीद जी। कल वैलेंटाइन डे है, इसके मतलब हमारे साथ मौजूद है हाफ़िज़ साहब, इनसे पूछते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं। जी हाफ़िज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपको बताएंगे कि वैलेंटाइन डे जो आज कल आपको पता है कि 14 फरवरी 2023 को वैलेंटाइन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आपको पता है कि मुसलमान और जितने भी हैं लोग सब पूरी दुनिया ऑल वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे ये फ्लावर डे मनाया जाता है। तो आज मैंने गुफ्तगू करनी थी, ये टॉपिक इस तरह का है, हंसी आ जाती है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने, देखिए जी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं, जो मुसलमान जो लोग हैं ना वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाते, लेकिन हमारे भी रिवाज ये हो चुका है। पाकिस्तान और भारत में भी अक्सर मुसलमान दिखे गए हैं, भारत में भी आउट ऑफ कंट्री जितने भी हैं मुसलमान वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन ये जो वैलेंटाइन डे है ना, ये इस्लाम में मनाना जायज़ नहीं, क्योंकि जो मुसलमान है ना, मुसलमान देखिए ये ऐसी बेहूदा वेरी पुअर ऐसी बैड यानी कि बहुत गंदी ये बिल्कुल भी इस तरह की ये डे नहीं मनाना चाहिए। ये वैलेंटाइन डे फ्लावर डे, उस दिन लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं फूल देकर एक दूसरे को, तो ये बिल्कुल इस तरह मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं। फ्लावर डे जो मनाते हैं ये बिल्कुल जायज़ इस्लाम में नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक अंग्रेज़ का है कानून जो निकला हुआ है, जो वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे मनाना मुसलमानों को जायज़ नहीं। तो मुसलमानों को चाहिए कि इससे बचे। तो आप सब ने हमारा चैनल जो यूट्यूब आप देख रहे हैं लाइट वॉइस मीडिया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पर इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बोके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद बहुत शुक्रिया।